अस्सलाम वालेकुम जी, ये 2011 वाली स्विफ्ट DLX माशाल्लाह रेडी हो गई है। डेंट पेंट करवाई थी ये स्क्रैचेस की वजह से साइड से। तो क्लोज़अप में आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप गाड़ी की फिनिशिंग, पेंट क्वालिटी और जोड़ झड़पें, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, मतलब आप देख सकें। ठीक है, गाड़ी वैसे तो पीछे हाफ फेंडर्स वगैरह भी ओरिजिनल हैं, रूफ ट्रंक वगैरह सारा ओरिजिनल है, डोर्स भी ये लैचेस से ऊपर ओरिजिनल हैं, लेकिन आप माशाल्लाह ये देख लें, ओरिजिनल जो कहते हैं ना कि अच्छा सामान यूज़ होना और ओरिजिनल कलर शेड यूज़ करना, उसका बेनिफिट ये है कि देखें कहीं पे आपको जो है ना रंग का डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। कारीगर भी काम अच्छा करते हैं लेकिन इंसान है, कहीं ना कहीं पे कमी कोताही रह जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो काम करवा रहा है, जिसकी चीज़ है, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी अपने काम को फाइनलाइज़ करवाने में दे से। अभी आप देख सकते हैं दरवाज़ों के अंदर की झड़पें वगैरह, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अमूमन गाड़ी जब पेंट होकर आती है तो यहाँ पे स्प्रे वगैरह, अस्तर वगैरह के निशानात, स्प्रे की वो फुहार रह जाती है। तो माशाल्लाह ये मैंने कंप्लीट सर पे खड़े होकर इसकी फिनिशिंग करवाई है कि कहीं पर कोई कमी कोताही ना रहे। अमूमन लैचेज़ के जो डोर लैच होते हैं इनके अंदर स्प्रे रह जाता है, जो दरवाज़ों की जो शीशों के साथ गोले हैं यहाँ पर कलर रह जाता है। तो ये फिनिशिंग और ये जो सफाई हैं ये बड़ा मैटर करती हैं कि आपका काम आउटलुक गाड़ी की फाइनलाइज होने में। गाड़ी की आउटलुक देख लें, शाइन देख लें, बम्पर्स वगैरह की एडजस्टमेंट आप देखें। तो ये क्लोज़अप वीडियो है और अभी गाड़ी पे थोड़ी डस्ट भी है, तो ये बनाई इसीलिए कि आप देख सकें कि काम फाइनल फिनिशिंग कैसे करवाते हैं। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।